दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बहुत सारे आपके क्वेश्चन हैं और लेडीज के भी बहुत, कि आप स्क्वाट्स का वर्कआउट, मैं आपको इतनी बढ़िया क्वाड्रिसेप हो या हैमस्ट्रिंग हो या काफ हो या ग्लूट्स हो, कोई भी आपको परफेक्ट एक्सरसाइज मैं दे रहा हूं। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग स्क्वाट्स मतलब लोअर पोर्शन की एक्सरसाइज से बचते हैं, और मैं ये शॉर्ट टर्म बहुत छोटे से टाइम का, हफ्ते में दो बार या तीन बार, और तीन तीन चार चार सेट करो, इसमें आपकी पूरी जो लेग्स पोर्शन है ना, पूरा नीचे का एकदम काफ से लेकर यहां तक आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। चलो मुकेश जी आओ। ये ऐसा वर्कआउट है कि आपको ओवरऑल लेग, मैंने जो बोला है, अभी चलो मुकेश जी डंबल उठाओ, डंबल स्क्वाट, ठीक है। चलो जी पहले स्लो लगाना है मुकेश, स्लो। हाँ चलो स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, बहुत अच्छे, 14, 15, सो इधर ये चलो कर दीजिए। अब स्लो हो गया, अब फास्ट, चलो चलो स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अब फिर स्लो पे आते, स्लो फास्ट, स्लो फास्ट, चलो चलो फिर चलो स्टार्ट स्लो, 1, 2, 3, ओवरऑल लेग देखिए, हैमस्ट्रिंग देखिए, काफ देखिए, क्वाड्रिसेप देखिए पूरा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अब फिर फास्ट, मैंने थोड़ा हैवी लिया, ये लास्ट वाला हैवी है, ये डंबल 5 किलो हैवी है, चलो स्टार्ट मुकेश, चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, बीस तक जाना है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मुकेश को 25 तक करूंगा, 1, 2, 3, 4, 4.5, 5, 5, आखिर में एंड तक स्लो फास्ट, स्लो फास्ट। मैंने मुकेश को, आपने 15 जाना है अगर आप नए हैं, और आप इससे हल्का डंबल ले लें, 10 ले लें, 5 ले लें, लेकिन मैं बता रहा हूँ हफ्ते में दो बार, और इसके 2-3 सेट करने हैं, मैंने एक सेट बताया अभी आपको, 2-3, जैसे स्लो फास्ट, स्लो फास्ट एक सेट, स्लो फास्ट, स्लो फास्ट दूसरा सेट। देखो दोस्तों, अभी हम मुकेश से भी बात कर रहे थे, किसी की बुराइयां करने में, किसी का बुरा करने में आप टाइम वेस्ट करते हो, लेकिन टाइम इन्वेस्ट कब करते हो, जब आप अपनी वर्जिश करते हो, लोगों को सिखाते हो, उनके बारे में अच्छा विचार रखते हो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग इन लाइफ, बिकॉज यू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, और आप पॉजिटिविटी में भी रहते हैं। और नेगेटिव कब होते हैं, जब आप किसी दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी भी और दिमाग भी, शरीर भी वहीं चला जाता है, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेट बना नहीं है, और चैंपियन बनने के लिए आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स के थ्रू गुजरना है। आज भी मैंने बच्चों को बताया कि डंबल, एक बच्चे ने डंबल पटके वो ये बता रहा था कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मैंने कहा इससे बॉडी बिल्डर नहीं बनने वाले आप, दो जो आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे उस चीज़ की जो आपको बना रहा है, बेशक वो ना बोले लेकिन बहुत कुछ बोलता है, वो बहुत कुछ बोलता है, और बोलता तब है जब आप कुछ नहीं कर पाते, और जब वो कब हारता है, जब आप मेडल जीतते हो, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप जीवन में हार्ड वर्क से ऊपर कोई चीज़ नहीं बनी, और उसी का फल है, ये बात समझ लें। थैंक यू।